नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस। तो चलिए डाइस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हर एक एसएससी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आपको हर एक एसएससी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डाइस के ऊपर। तो चलिए डाइस के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकेंड इज जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में अंतर क्या है, देखते हैं इसको। स्टैंडर्ड डाइस में आपको किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा वो आपको 7 नहीं मिलेगा। अगर हम 5 और 3 को ऐड करते हैं तो 8, 5 और 3 को ऐड करते हैं तो 8 मिलता है, 3 और 1 को ऐड करते हैं तो आपको 4 मिलता है, और 5 और 1 को ऐड करते हैं तो आपको 6 मिलता है, लेकिन आपको 7 नहीं मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि 4 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो आपको 6 मिल रहा है, 2 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो आपको 3 मिल रहा है, 4 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, आपको 7 नहीं मिल रहा है। तो 7 जब नहीं मिल रहा है तो इनके अपोजिट जो संख्या हो जाएगी, जैसे 1 के अपोजिट क्या होगी आपकी 6 हो जाएगी, और 2 के अपोजिट आपकी 5 हो जाएगी, और 4 के अपोजिट 3 हो जाएगी। लेकिन इसमें जो होगा आपको 7 नहीं मिलेगा, किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा आपको 7 नहीं मिलेगा। दूसरी ओर बात करते हैं जनरल डाइस के बारे में। तो जनरल डाइस में क्या होगा, जनरल डाइस में किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा वो आपको 7 मिलेगा। किन्हीं भी दो साइड का सम आपको 7 मिलेगा। अगर 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो आपको 7 मिल रहा है, 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है, 5 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी जनरल डाइस। आइए कुछ क्वेश्चंस को बात करते हैं। जब दो नंबर कॉमन, जब एक नंबर कॉमन हो, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन। तो बात करते हैं, अगर वन नंबर कॉमन है तो आपको जो कॉमन नंबर है उसको यहाँ पे लिख लेना है, कॉमन नंबर को यहाँ पे लिख लेना है, और उसके क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा के अनुसार, क्लॉकवाइज 1 के क्लॉकवाइज 2, 2 के क्लॉकवाइज 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 3। इसी प्रकार इसमें जो नंबर कॉमन है उसमें लिख लेंगे 1 के क्लॉकवाइज 6 और 5 के क्लॉकवाइज 5। तो आपका 2 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, 3 और 5 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, लेकिन 1 के अपोजिट क्या होगा, जो बची हुई संख्या है वो अपोजिट होगी, यानी 4 अपोजिट होगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं। जब दो नंबर कॉमन हो, दो नंबर कॉमन होने की स्थिति में आप देखेंगे, देखिए इसमें 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है, तो 1 और 5 का जब कॉमन है तो आपको जो अनकॉमन नंबर है यानी 2 और 4 वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। मैं केवल इन्हीं दोनों का अपोजिट निकाल सकता हूँ, 1 और 5 के अपोजिट मैं नहीं निकाल सकता हूँ, 1 और 5 के अपोजिट मैं नहीं निकाल सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड द नंबर अपोजिट टू। तो 2 के अपोजिट हमें नंबर ज्ञात करना है। पहले देख लेते हैं कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए ऐड करते हैं, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 5 आता है, इसमें भी आपका 7 नहीं मिल रहा है, इसमें 7 मिल रहा है, तो ये आपका हो गया कि जनरल डाइस। तो जो आपकी जनरल डाइस अगर अब मिल जाती है तो आपका जो कॉमन नंबर है उसको हम लिख लेंगे, कॉमन नंबर कौन सा है इसमें, और इसमें कॉमन नंबर क्या है आपको, 2 कॉमन नंबर है। 2 जब कॉमन नंबर है तो 2 के कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 2 के क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा 6, और 6 के क्लॉकवाइज आपका 3 हो जाएगा, 6 के क्लॉकवाइज आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें घुमा देंगे, 2 के क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपका, 2 के क्लॉकवाइज 5 हो जाएगा, और 5 के क्लॉकवाइज 4 हो जाएगा, तो ये 6 5 के अपोजिट हो जाएगा और 3 4 के अपोजिट हो जाएगा। तो अब बचा नंबर 2, 2 किसके अपोजिट होगा, 2 1 के अपोजिट होगा, दैट इज आंसर हमारा, 2 किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फाइंड द अपोजिट 2। अब हमें देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो हम सम देखते हैं, 5 और इसमें भी 7 नहीं आ रहा है, इसमें भी 7 नहीं आ रहा है, इसमें भी 7 नहीं आ रहा है। तो देखिए एक स्थिति और भी हमें ज्ञात होती है, यहाँ पे 6 और 1 और 4 अपोजिट है, 1 और 4 इसमें भी अपोजिट है, दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, 1 और 4 इसमें भी अपोजिट है, 1 और 4 इसमें भी अपोजिट है। तो निकालते हैं, जब इसमें 1 और 4 एक दूसरे के कॉमन है और 1 और 4 इसमें भी कॉमन है, तो देखिए तो 6 जो अनकॉमन नंबर है आपका, 6 और 2, 6 और 2 आपका एक दूसरे के विपरीत होगा, 6 और 2 एक दूसरे के, 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत होगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। तो
देखते हैं सिक्स के अपोजिट, पहले देखना है कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको देखना है कि फाइव के अपोजिट, फाइव का ऐड करते हैं, फाइव और वन सिक्स, फाइव और फोर नाइन, इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है आपका फाइव और टू, तो ये हो गया आपका जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या होगा आपका, जो हमें निकालना है उसके फाइव का कॉमन नंबर, फाइव का कॉम, इसमें दोनों में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर आपका फाइव हो गया, फाइव का क्लॉकवाइज घुमा देंगे वन और फोर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें ले लेंगे फाइव को क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज सिक्स और टू, तो क्या हो जाएगा आपका सिक्स और टू, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, जो फाइव बचेगा वो किसके अपोजिट हो जाएगा, वो थ्री के अपोजिट हो जाएगा, डेट इज हमारा आंसर। तो आइए नेक्स्ट की नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द नंबर अपोजिट टू सिक्स। तो हमें सिक्स के अपोजिट नंबर याद करना है, तो देखते हैं सिक्स के अपोजिट नंबर क्या होगा। देखिए पहले स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस सिक्स और थ्री को ऐड कर रहे हैं, इसमें सेवन नहीं आ रहा, इसमें सेवन नहीं आ रहा, इसमें सेवन नहीं आ रहा और इसमें भी सेवन नहीं आ रहा, तो हमारी है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में सिक्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, दैट इज सिक्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द नंबर अपोजिट वन। तो वन के अपोजिट हमें नंबर याद करना है, तो वन के अपोजिट नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, तो ये आपकी इसमें भी सेवन नहीं आ रहा है, इसमें भी सेवन नहीं आ रहा है, तो इसमें जब सेवन नहीं आ रहा है तो ये आपकी हो जाएगी स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के लिए क्या हो जाएगा, वन किसके अपोजिट हो जाएगा, सिक्स के अपोजिट हो जाएगा, दैट इज आंसर, सिंपल। अब आप बात करते हैं फाइंड द अपोजिट नंबर टू, फाइंड द अपोजिट नंबर टू। तो ये अब देखना है अपोजिट नंबर फोर, फोर के अपोजिट ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर हो जाएगी आपकी फाइव और फाइव, फाइव के फाइव को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज घुमाना है हमको, तो फाइव के क्लॉकवाइज वन हो जाएगा और वन के क्लॉकवाइज सिक्स हो जाएगा। तो वन और सिक्स को यहाँ लिख लीजिए, फिर जो दूसरा कॉमन नंबर है इसको यहाँ पे लिख लीजिए, फिर फाइव के क्लॉकवाइज घुमा देंगे फोर और फोर के क्लॉकवाइज घुमा देंगे थ्री, तो ये जो नंबर हो जाएंगे आपके, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे को, जो फाइव के अपोजिट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा टू, तो फोर किसके अपोजिट होगा, वन के, तो वन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस की हमें इसका। अब देखिए आपको दिया गया है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर टू थ्री अपोजिट, हमें थ्री के अपोजिट ज्ञात करना है, तो इन सब वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि जो आपको अल्टरनेट नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, जो अल्टरनेट नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो देखिए सिक्स थ्री के अपोजिट होगा, सिक्स थ्री के अपोजिट होगा और फोर फाइव के अपोजिट होगा, फोर फाइव के अपोजिट होगा, जो आपकी बची संख्या वो एक किसके अपोजिट होगी, थ्री के, सिक्स थ्री के अपोजिट होगा, फोर थ्री फोर फाइव के अपोजिट होगा और वन जो बची आपकी वो टू के अपोजिट होगा, तो आपकी थ्री के फोर के अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री और फोर के अपोजिट हो जाएगा आपका फाइव, तो वन किसके अपोजिट होगा, टू के अपोजिट होगा, तो थ्री के अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्स, सिक्स इज द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन है, ये देखिए वन किसके अपोजिट होगा, वन आपका फोर के अपोजिट होगा, वन आपका फोर के अपोजिट होगा और टू आपका सिक्स के अपोजिट होगा, टू आपका सिक्स के अपोजिट, जो बची संख्या थ्री, थ्री आपकी फाइव के अपोजिट होगा, तो हमें फाइव का निकालना है, तो फाइव का अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ओपन डाइस के बारे में बात करते हैं। ओपन डाइस क्या होती है, तो देखिए इसमें भी वही काम करना है, अपोजिट निकालना है, अल्टरनेट अपोजिट होगा, थ्री के अपोजिट वन हो जाएगा, थ्री के अपोजिट वन हो जाएगा, थ्री के अपोजिट वन हो जाएगा और फाइव के अपोजिट फोर हो जाएगा, फाइव के अपोजिट फोर हो जाएगा और सिक्स किसके अपोजिट होगा, टू के अपोजिट होगा। देखिए जो अब इसमें चार चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही होगा, तो देखिए जो विपरीत संख्या होगी वो कभी पासे में विपरीत संख्या एक साथ नहीं होगी, जो पासे में विपरीत संख्या एक साथ नहीं होगी, तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। थ्री आपका वन के अपोजिट है, ये तो नहीं सही होगा क्योंकि इसमें एक स्थिति दोनों एक साथ आ गई, अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं होंगे, अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं होंगे, तो ये हमारा गलत है।
अब आप बात करते हैं इसकी, तो 5 4 के अपोजिट है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। इसकी बात करते हैं 2 और 6 की, तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 6 एक, जो ये भी नहीं होगा, 1 2 4, तो 1 और 2 4 किस कोई अपोजिट नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगली बात करते हैं, अब देखते हैं अगला वाला, 1 किसके अपोजिट हो जाएगा आपका, 5 के अपोजिट, 1 किसके अपोजिट हो जाएगा, 5 के अपोजिट, और 4 किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के, 4 किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के, और 3 किसके अपोजिट होगा, वो हो जाएगा 6 के। तो अब देखते हैं जो अपोजिट संख्या है, अपोजिट नंबर्स हैं, वो कभी एक साथ नहीं होंगे, अपोजिट नंबर पासे में कभी एक साथ नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। देखिए 3 2 के अपोजिट है, 3 2 6, देखिए 3 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। 4 1 और 5 अपोजिट हो जाएगा, 4 1 2 4 2 के अपोजिट हो जाएगा, ये भी गलत है, लेकिन हम देखेंगे 5 2 3, ये आपका आंसर सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपका बी होगा वो एफ के अपोजिट हो जाएगा, बी आपका एफ के अपोजिट हो जाएगा, ई आपके सी का अपोजिट हो जाएगा, ई जो होगा वो सी के अपोजिट हो जाएगा, जो ए बचेगा वो डी के अपोजिट होगा, ए डी के अपोजिट होगा। तो चलिए देखते हैं अपोजिट जो नंबर होंगे वो कभी साथ नहीं आएंगे, अपोजिट नंबर कभी साथ नहीं आएंगे। देखिए इसमें बात कर रहा है बी एफ, ये एक दूसरे का अपोजिट, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ई और एफ बात कर रहा है, ई एफ डी, ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा, ये वाला आंसर आपका सही होगा। देखिए इसमें कोई अपोजिट संख्या नहीं मिल रही है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मजेदार ट्रिक्स लाया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।